छोटे पर्दे के कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें अपने खूबसूरत किरदारों से काफी लोकप्रियता मिली है और अपने किरदारों से उन्हें प्यार भी हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्हीं में से कुछ स्टार्स पर तो उनके किरदार इस कदर हावी हुए हैं जिसका बुरा असर उनकी हेल्थ पर पड़ा है, और एक को तो खुद से ही डर लगने लगा था। पर वो कैसे और कौन कौन से वो स्टार्स, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। नंबर एक, ऐश्वर्या शर्मा। गुमे किसी के प्यार में फेम एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा पर पत्रलेखा का किरदार बहुत हावी हुआ है, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो पत्रलेखा का किरदार निभाते निभाते उसी के बारे में सोचने लगी थी, और वो अक्सर नील से पूछा करती थी कि पत्रलेखा ऐसा क्यों करती है, वो एक काबिल महिला है तो दूसरे के पति के पीछे क्यों पड़ी है। हालांकि नील भट्ट ने इन्हें इस असमंजस से निकलने में इनकी मदद की है। नंबर दो, आमना शरीफ। वही एक्ट्रेस आमना शरीफ ने कसौटी जिंदगी की टू में कमलिका का किरदार अदा किया था, जिसने इनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर किया, जिसे लेकर एक्ट्रेस ने बताया कि कमलिका इतनी ज्यादा नकारात्मक चीजें करती थी कि मैं खुद भी सोच में पड़ जाती थी, और एक सीन में जब कमलिका को एक नवजात बच्चे को माना था तो इस सीन में वो पूरे वक्त परेशान रही थी। नंबर तीन, शिवांगी जोशी। ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में शिवांगी ने 4.5 साल तक नायरा का किरदार अदा किया, जिससे इन्हें इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि जब राजन शाही ने इन्हें नायरा की मौत के बारे में बताया तो ये बहुत भावुक हो गई और सेट पर रोने भी लगी थी। नंबर चार, उर्वशी ढोलकिया। खूबसूरत एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया ने कसौटी जिंदगी की में कमलिका की भूमिका अदा की थी, और अपने इस किरदार से ये टीवी की सबसे बड़ी विलन बन गई थी, इसलिए इन्हें हर प्रोजेक्ट में नेगेटिव रोल ही मिलता था। पर एक पल तो ऐसा हुआ कि इन्हें इनके किरदार के कारण काम ही मिलना बंद हो गया, जिससे इनके स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ा था। नंबर पांच, करिश्मा सावंत। इन दिनों ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में शातिर विलन आरोही बनी एक्ट्रेस करिश्मा सावंत को तो अपने इस कैरेक्टर के कारण साइबर बुलिंग का पात्र बनना पड़ा। लोगों ने इन्हें हर जगह ट्रोल करना शुरू कर दिया और तो जान से मारने की धमकी तक दे डाली, जिससे ये मेंटली काफी डिस्टर्ब हुई हैं। नंबर छह, सुधांशु पांडे। वहीं अनुपमा शो के वनराज और सुधांशु पांडे पर भी इनका किरदार बहुत हावी हुआ है, जिसके बारे में खुद अभिनेता ने बताया कि वनराज को एक साथ दो किरदार अदा करने पड़ते हैं, साथ ही सीरियल में अनुपमा की जिंदगी का विलन बनने के लिए इन्हें लोगों की नफरत का सामना भी करना पड़ता है। वेल दोस्तों, क्या किसी भी स्टार्स को अपने कैरेक्टर के साथ इतना सीरियस होना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।